जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मई के महीने में मंगलदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आप अगले महीने अपना वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें जिससे आपको भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम इस वीडियो में सिर्फ मिथुन लगन के जातकों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा, आपको किस रंग के वस्त्र किस दिन धारण करने से लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें मई के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहाँ प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल मई 2022 आपके लिए है। बाकी सभी लगन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए मई का महीना आपके कैरियर संबंधित कैसा रहेगा। 1 से 14 मई तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं वर्तमान समय में शनिदेव मंगलदेव की युति आपकी कुंडली के नवम भाव में है, शुक्रदेव और गुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में है, राहु और सूर्यदेव की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, केतु आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान समय में सूर्यदेव और राहु की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव में है जिसके कारण ग्रहण दोष आपकी कुंडली के लाभ भाव में बना हुआ है। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। ये समय आपको किसी प्रकार के कार्य को करने में जल्दबाजी करवा सकता है, किसी प्रकार का गलत निर्णय आप लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। इस समय आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अपने क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना, स्पेशली अपने कैरियर संबंधित अथवा अपने बिजनेस से संबंधित अन्यथा आपको किसी प्रकार के तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें तनाव बढ़ता दिखाई देगा। 11वें भाव से राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के 3रे भाव पर होगी जो कि सूर्य की राशि है, जिसके कारण ये समय आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न भी करवा सकता है, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा सकता है, थोड़ा विलंब कर सकता है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें भाव पर होने के कारण आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार के भ्रम को ये उत्पन्न कर सकता है, आप किसी प्रकार के भ्रम का शिकार हो सकते हैं। यदि आप शेयर ट्रेडिंग में हैं तो थोड़ा सावधान रहें, किसी प्रकार का अधिक रिस्क लेने से पूर्व उस पर 2 बार विचार अवश्य करें। वर्तमान समय में गुरु अपनी ही राशि मीन राशि में आपकी कुंडली के 10वें भाव में होंगे, जहां से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 4थे भाव पर, 2रे भाव पर और कुंडली के 6ठे भाव पर होगी, जैसा आप इन एरो की मदद से देख रहे हैं, जिसके कारण आपके कैरियर में एक स्थिरता आती दिखाई देगी। पिछले कुछ समय से यदि आपका मानसिक तनाव आपके कैरियर को लेकर बन गया था, आपके बिजनेस को लेकर बन गया था, तो वो यहाँ दूर होता दिखाई देगा। आपको अपने जन्म स्थान पर अथवा आपके जन्म स्थान के आसपास ही कुछ शुभ अवसर भी मिलने की संभावना बनी हुई है। जो जातक किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, जो जातक किसी प्रकार का कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, ऐसे जातकों को कुछ शुभ फल देखने को मिल सकते हैं। इस समय में शनिदेव आपकी कुंडली के 9वें भाव में अर्थात भाग्य भाव में होंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जहाँ से शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर, 3रे भाव पर और 6ठे भाव पर होगी। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी कुंडली के 9वें भाव में हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपने बहुत तीव्रता से अपने भाग्य से कुछ अकस्मात लाभ की अपेक्षा नहीं करनी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा परंतु आपको उसके फल धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। आपके रुके हुए कार्य पुनः प्रारंभ होने की संभावना बनती है। आपके कार्य में, आपकी नौकरी में यात्राएं भी हो सकती हैं। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। पिछले कुछ समय से यदि आप में
किसी प्रकार का आलस आ गया था तो वो भी यहाँ दूर होता दिखाई देगा, आप में नकारात्मक विचार दूर होते दिखाई देंगे। जो जातक अपने भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस प्रकार का बिजनेस आपका आगे बढ़ता दिखाई देगा। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव में है, जिसके कारण आपकी वर्कलोड में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी, जिससे आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने स्वास्थ्य संबंध सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे। देखिए 15 से 21 मई तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं। इस समय में सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा, जिसके कारण आपकी कुंडली से ग्रहण दोष समाप्त होगा। सूर्यदेव का 12वें भाव में गोचर शुभ नहीं समझा जाता, परंतु पिछले कुछ समय से यदि आपको आपकी मेहनत का शुभ फल नहीं मिल रहा था, आपकी नौकरी में प्रमोशन को लेकर मानसिक तनाव बढ़ गया था, तो वो यहाँ दूर होता दिखाई देगा। जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं, इस प्रकार के जातकों को कुछ शुभ फल मिल सकता है। जो लोग विदेश में हैं उन्हें किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहना होगा, अन्यथा ये समय आपको किसी प्रकार की कानूनी समस्या में भी फंसा सकता है। 21 से 31 मई तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं। इस समय में शुक्रदेव का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में होगा और मंगलदेव का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा, जहाँ गुरु है। इस समय में मंगलदेव आपकी कुंडली के कर्म भाव में है और मंगलदेव आपकी कुंडली के मारक ग्रह हैं, जिसके कारण ये समय आपको आपके कार्यस्थान पर किसी प्रकार का मानसिक तनाव दे सकता है। ये समय आप अपने ऑफिस में अर्थात अपने कार्यस्थान पर किसी प्रकार की बहसबाजी से स्वयं को दूर रखें, अन्यथा ये समय आपको परेशानी में डाल सकता है। इस समय में शुक्रदेव और राहु की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, जिसके कारण ऐसे जातकों को कुछ शुभ फल मिल सकते हैं। जो लोग शेयर ट्रेडिंग में है, जो लोग ज्वेलरी के बिजनेस में है, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में है, कॉस्मेटिक से जुड़े हैं, केमिकल के बिजनेस से जुड़े हैं, इस प्रकार के जातकों को कुछ शुभ फल मिल सकते हैं। ये समय विद्यार्थियों का मन थोड़ा भटका सकता है, आपको आपकी पढ़ाई में फोकस करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो ये था आपके कैरियर संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। 16 मई के बाद का समय, ऐसे जातकों को सावधान रहना होगा। यदि आपको नींद आने में समस्या होती है, आपको नसों में दर्द रहता है, तो वो यहाँ आपको परेशान कर सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें 20 से 22 मई को बहुत अधिक सावधान रहना होगा। आप यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। 2 से 5 मई और 16 से 18 मई के बीच आपको मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। आपको यहाँ नींद आने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप मेडिटेशन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी बेचैनी बढ़ती दिखाई देगी। आपको क्या उपाय करने हैं, मैंने उपाय सेक्शन में बताए हैं, आप अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। 3 से 9 मई और 19 से 25 मई तक का समय आपके वित्त के लिए सकारात्मक समय रहेगा। पिछले कुछ समय से किसी प्रकार का तनाव यदि आपके वित्त को लेकर बना हुआ था, तो वो यहाँ दूर होगा। आप पर यदि किसी प्रकार का कोई लोन चल रहा है, तो उससे भी आपको राहत मिलती दिखाई देगी। 11 से 16 मई के बीच का समय, आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं, आपको आपके वित्त प्रबंधन में कठिनाई आ सकती है। 7 से 9 मई और 24 से 26 मई को आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है, हो सकता है ये लाभ आपको अपने पिछले किसी निवेश के द्वारा प्राप्त हो। तो ये था आपके फाइनेंस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग सिंगल हैं वो 12 से 16 मई के बीच किसी प्रकार की रिलेशनशिप में, अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पड़ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो 1 से 10 मई तक का समय आपके रिलेशनशिप में तनाव बढ़ा सकता है। आपको यहाँ अधिक सावधान रहना होगा, आपको समय के अनुसार स्वयं को ढालना होगा। तो ये था आपके रोमांस संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। 1 से 12 मई तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए सकारात्मक समय नहीं है। आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, किसी भी प्रकार की बहसबाजी से स्वयं को दूर रखें। 12 मई के बाद का समय आपके रिश्ते सुधरते दिखाई देंगे। 3 से 9 मई तक का समय आपका आपके बच्चों के साथ तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। यहाँ पर आप अपने निर्णय अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती थोपने का प्रयत्न ना करें, आपके लिए उचित रहेगा। 22 मई तक का समय आपके रिश्ते आपकी माता के साथ बिगड़ सकते हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी किसी प्रकार का मानसिक तनाव घर में
बढ़ सकता है। तो ये था आपके फैमिली संबंधित मई का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने। इस महीने में आप नारंगी रंग के वस्त्रों से थोड़ा दूर रहें, ना धारण करें। 1 से 10 मई तक का समय आप हरे रंग के वस्त्रों से थोड़ा दूर रहें। इस महीने में यदि आप 7 से 9 मई और 24 से 26 मई को सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रह सकते हैं, आपके मन में एक शांति की अनुभूति प्रदान करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें मई के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप 20 मई को प्रातः 5:30 से शाम 7 बजे के बीच 250 ग्राम गुड़ और आटा किसी गौशाला में दान करें। आप 15 मई को प्रातः 5:45 से शाम 6:50 के बीच भैरव जी के मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाएं और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्रों का दान किसी गरीब को करें। आप प्रत्येक शनिवार को 5 रुपये अथवा 10 रुपये के सिक्के का दान किसी मंदिर में अथवा किसी गरीब को करें। आपने सिक्के का दान करना है, कागज़ के नोट का दान नहीं करना। आप रोज़ सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथवा मछलियों को भोजन अवश्य करवाएं। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 13 मई और 27 मई को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में जो भी अड़चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें मई के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मिथुन लगन के जातकों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।